नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को पढ़ने जा रहा है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत शुक्र ग्रह के अस्त होने के बीच रखा जाएगा। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार वैवाहिक जीवन ऐश्वर्य और सुख का कारक ग्रह शुक्र 1 अक्टूबर से अस्त है। शुक्र देव आगामी 20 नवंबर तक अस्त रहने वाले हैं। ऐसे में लोगों के बीच में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि क्या करवा चौथ का व्रत शुक्र अस्त के दौरान रखना उचित होगा। दरअसल शुक्र के अस्त होने से धन, प्रेम, सुख और वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। इसके अलावा गुरु ग्रह भी अस्त है। मान्यता है कि शुक्र और बृहस्पति के अस्त होने पर मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि जो कोई पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेगी उनके लिए इस बार करवा चौथ का व्रत रखना उचित होगा कि नहीं। करवा चौथ का व्रत कुछ महिलाएं 16 साल तक रखती हैं, वहीं कुछ महिलाएं जीवन भर इस व्रत को रखती हैं। ऐसे में जो महिलाएं इस बार करवा चौथ व्रत के उद्यापन के बारे में सोच रही हैं, तो उन्हें शुक्र अस्त होने के दौरान व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। कि जो भी नवविवाहित जोड़े हैं वो उन्हें ये व्रत नहीं रखने होंगे इस साल। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को शुरुआत 13 अक्टूबर को रात 1:59 से शुरू हो रही है। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को तड़के सुबह 3:08 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:54 से 7:09 तक है। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय रात 8:09 पर होगा। ऐसे में चंद्र उदय के बाद करवा चौथ व्रत का पारण करना सही रहेगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु कुशलता के लिए रखती है। वही जिनकी शादी होने वाली होती है ऐसी कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना से करवा चौथ का व्रत रखती है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।